हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना रिअरेंजमेंट का थर्ड पोर्शन कल समाप्त हुआ था, जिसमें फोर्थ लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे डाइनोन फिनोल रिअरेंजमेंट के बारे में। इसके पहले हम लोग पिनाकोल, पिनाकोलोन, वैगनर, मिरविन और टेफनन डेमनजॉब रिअरेंजमेंट के बारे में स्टडी कर चुके थे। तो तीसरा रिएक्शन है डाइनोन फिनोल रिअरेंजमेंट। तो डाइनोन फिनोल रिअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन फोर फोर डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइनोन आर रिएक्टेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड ओन मतलब कीटोन, अब फोर फोर पे क्या है सब्स्टिट्यूशन है, फोर फोर पे सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूशन है, तो वन टू थ्री फोर पे सब्स्टिट्यूशन है दो एल्किल ग्रुप का। आर रिएक्टेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड आर विथ थ्री फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 RACL followed by hydrolysis with water, मतलब जब इसका मिनरल एसिड से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, 3-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब तीसरा और चौथा पे सब्स्टिट्यूटेड रहेगा और फिनॉल मिलता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइनोन फिनॉल रिअरेंजमेंट। तो सब्सट्रेट क्या है इसमें, सब्सट्रेट है डाइनोन और प्रोडक्ट क्या है फिनॉल। तो जब 4-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको 3-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डाइनोन फिनॉल रिअरेंजमेंट कहते हैं। इसकी कुछ ट्रिक हम बताते हैं आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ट्रिक में सबसे पहले है कि फोर्थ वाले को थर्ड पे हमको सब्स्टिट्यूट करा देना है। पहले मैकेनिज्म जानते हैं फिर इसका ट्रिक देखेंगे हम। ये कुछ एग्जांपल है, देखिए इसमें भी 3-4 सब्स्टिट्यूटेड बना है। इसमें मिथाइल इथाइल एग्जांपल में लिया गया है, एथाइल शिफ्ट हुआ है तीसरे पोजीशन पे और इसमें इसमें आपका एक बेंजाइल है और एक एल्किल ग्रुप है, तो बेंजाइल या फिनाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है। तो हम इसका मैकेनिज्म पहले बता रहे हैं फिर हम दूसरा तीसरा का मैकेनिज्म बताएंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। तो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में H2SO4 से हाइड्रोजन प्लस जो निकलेगा वह प्रोटोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन के लोन पेयर को। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस पर डबल बॉन्ड है जियो का हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH, लेकिन इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया R और R हो गया। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है कंपाउंड ऑक्सीजन अनस्टेबल है जिसके वजह से बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बोकैटायन बन गया अब ये रीअरेंज होगा, क्या होगा रीअरेंज होगा, रीअरेंज नहीं होगा पहले ये रेजोनेंस करेगा, पहले ये क्या करेगा रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पर जो आर रहेगा। अब स्टेप जो होगा वो कौन सा स्टेप होगा रीअरेंजमेंट स्टेप, अब कौन सा स्टेप होगा रीअरेंजमेंट स्टेप, रीअरेंजमेंट स्टेप अब होगा। तो रीअरेंजमेंट स्टेप होगा जिसमें यह हमारा एल्किल ग्रुप क्या कर जाएगा शिफ्ट कर जाएगा। तो एल्किल ग्रुप जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे OH हो गया और एल्किल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे आ गया एल्किल ग्रुप और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा ये एरिनियम कार्बोकैटायन है और स्टेबल है, अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करेगा यानी यहाँ पे गेन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कैसे गेन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन जो है लेफ्ट कर जाएगा यहाँ पर माइनस एच प्लस के रूप में और ये कंपाउंड फिर से क्या हो जाएगा एरोमेटिक अब हो जाएगा OH मिल गया। तो ये हमारा हो गया 4-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 4-3 ये यहाँ पे है सॉरी ये यहाँ पे है आर, तो 3-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हमको मिल गया। तो मैकेनिज्म आप इसका देख लिए हैं। तो इस मैकेनिज्म का ट्रिक यही है कि जो थर्ड जो फोर्थ पे दो सब्स्टिट्यूटेड है उसमें देखिए कि कौन ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप है, माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड देखिए और उसको क्या कर दीजिए थर्ड पे लिव करा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए एरोमेटिक गेन करा दीजिए, बस यही है डायरेक्ट इसका। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो अपना था उसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो दूसरा क्वेश्चन में अब इसको हम स्टेप वाइज करके देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। पहला स्टेप क्या होता है
प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, यानी कार्बोनिल अच्छा डबल बॉन्ड होता, फोर फोर डाई सब्सटीट्यूटेड डाइनोन चेन हमको, तो ये है कंपाउंड। तो इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन हम करा देंगे। इसका लोन पेयर है CH3 और CH3, एच प्लस जो मिनरल एसिड से आएगा, इससे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा OH के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा, OH के रूप में, OH के रूप में। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3। पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट। तो इससे हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उससे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर कार्बोकेटायन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये हो गया OH। और ये अच्छा, ये इसमें मिथाइल है और एक एथाइल ग्रुप है, एक हम एथाइल ग्रुप ले रहे हैं C2H5, C2H5, क्योंकि तो इसके पहले हम दोनों करा चुके हैं, सेम था आर। इसमें हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन में, एक जगह हम क्या ले रहे हैं, C2H5 ले रहे हैं। तो ये हो गया CH3 और C2H5। फिर ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ गया, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और CH3 और C2H5। अब इसमें माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, तो हम जानते हैं माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होता है, टर्शियरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से। ये CH3 है और C2H5 मतलब CH2CH3 है, तो ये है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन जो है वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट स्टेप, इसलिए बोलेंगे रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये C2H5 यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और ये हो गया OH, और ये हो गया CH3, और यहाँ चला आया C2H5, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, देख लीजिए, इसको अगर हम ऊपर लिखते हैं तो ऊपर लिख दे रहे हैं इसको रीअरेंजमेंट स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट स्टेप में हमारा ये वाला शिफ्ट कर गया यहाँ पे C2H5, और यहाँ पर CH3 है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बार शिफ्ट किया है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डीप्रोटोनेशन। हमारा सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट यही बना है, इसलिए इसको हम नहीं मिटका रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डी प्रोटोनेशन, हाइड्रोजन निकलेगा, डी प्रोटोनाइज होगा। पहले हम सेकेंड प्रोडक्ट वाला बना ले रहे हैं, सेकेंड स्टेप में बना है, तो हमारा प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में, यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ क्या था, C2H5, और यहाँ क्या था, OH। तो आपका यहाँ वाला जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और एरोमेटाइज हो जाएगा ये, क्योंकि तो हम बताएं इस स्टेप को एरोमेटाइज स्टेप भी बोलते हैं, गेन एरोमेटिसिटी। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, जिससे एरोमेटिसिटी भी आ गया अपना, और 3,4-डाइसब्सटीट्यूटेड फिनाल भी मिल गया। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखे थे थर्ड क्वेश्चन वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह है, बस उसमें एक एल्किल ग्रुप था और एक क्या था, फिनाइल ग्रुप था। तो हम इसको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इसमें अब आप सीख गए हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप था, पीएच भी लिख सकते हैं फिनाइल को, या बना भी सकते हैं इसे, ठीक है। तो एच प्लस यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करेगा, पहला स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन,
प्रोटोनेट कितना होगा ओ एच के रूप में, ठीक है, ओ एच के रूप में। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम यही बना दे रहे हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहां चला आएगा जिससे हमारा ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा ओएच के रूप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था आर था, और यहाँ पे क्या था फिनाइल, आर और फिनाइल। फिर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओएच है, यहाँ से यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो गया, यहीं पर रहा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आर और ये हो गया पीएच। अब आर और पीएच में आप जानते हैं कि फिनाइल का माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो फिनाइल यहाँ क्या कर जाएगा शिफ्ट कर जाएगा, फिनाइल वहां शिफ्ट कर जाएगा तो प्रोडक्ट अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ओएच होगा और यहाँ पीएच आ गया, और यहाँ क्या हो गया आर, और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। थर्ड स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में और एरोमेटाइज हो जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे ओएच आ गया और ये आर हो गया और ये क्या हो गया पीएच हो गया। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह टाइप का क्वेश्चन तो आप जानेंगे सिंपल, क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है प्रोटोनेट कराना है कार्बोनिल ऑक्सीजन को, दूसरे स्टेप में क्या करना है उस वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, फिर तीसरे स्टेप में कार्बोकेट, उसमें तो कार्बोकेटाइन बन गया है, क्या कराएंगे हम रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो ग्रुप की माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी उसको क्या करा देना है शिफ्ट करा देना है, तो शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमको क्या करा देना है हाइड्रोजन निकाल देना है जिससे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा एरोमेटाइज होकर। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग, ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एच प्लस से अटैक कराएंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन पर, तो कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा OH हो जाएगा उस पर, डबल बॉन्ड OH। अच्छा इसमें फोर फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वर्किंग से ही फोर फोर्थ सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, जो पेंटा रिंग है साइक्लोपेंटेन रिंग है उसका जो दो बॉन्ड है वही सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहा है। तो इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाए चाहे ये वाला बॉन्ड जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, एच प्लस ऑक्सीजन क्या किया प्रोटोनेट किया जिससे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा बॉन्ड रीअरेंज होगा जिसके वजह से हमारा क्या होगा ऐसे, ये सिक्स मेंबर है तो सिक्स मेंबर हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया ओ एच हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ओ एच हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से एक अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे मिथाइल रहेगा लेकिन अभी आप नहीं है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप ए बॉन्ड भी शिफ्ट करा सकते हैं, ए बॉन्ड भी शिफ्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा रीअरेंजमेंट या बॉन्ड शिफ्ट जिसे कह सकते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए इसी को यहाँ करा दे रहे हैं, ये हो गया आपका सिक्स मेंबर यहाँ पे ओ एच, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके वहां चला गया, तो यहाँ से ऐसे है ठीक, ये पांच मेंबर है और यहाँ पे क्या हो गया ऐसे हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इससे हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः मेंबर हो गया इसके साथ, और आपका यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओ एच है, तो अब क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन फिर रिमूव हो जाएगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में, और एरोमेटिसिटी ऊपर वाले रिंग का गेन हो जाएगा, ऊपर वाले रिंग का प्रयोग, ये प्रोडक्ट हमको बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन लेकिन उसमें यहाँ पे क्या होगा मिथाइल, सेम क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इसी तरह का,
अब इसी में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया CH3 ग्रुप लगा दिया। पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, पहला स्टेप में क्या होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज H, ठीक है H यहीं पे अटैक हो गया। अब बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरे स्टेप में क्या होता है ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करता है और कार्बोकेटायन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 हमने जोड़ा था, तो अब हमारा कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पहले तो रिअरेंजमेंट होगा, पहले तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग से CH3 हुआ हुआ। अब इसको शिफ्ट कराएं कि इसको शिफ्ट कराएं, तो हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि ये रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, रिअरेंजमेंट ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। तो चूंकि इसमें CH3 है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये वाला मिथाइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए ये यहाँ पे अटैक करेगा रादर देन ये, यानी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यह नहीं शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात हमारी समझिए, यहाँ पे CH3 होने के कारण ये क्या करता है प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसीलिए ये क्या कर देगा यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये अटैक होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, यहाँ OH हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, अभी इसके पहले बनाए हैं, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, और आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन है तो इसके बाद वाले स्टेप में हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OH, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो दोनों सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक OH है और एक क्या है CH3 है, एक OH है और एक CH3 है, तो पहला स्टेप जो है सेम होगा, पहला स्टेप क्या होता है जनरेशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, एच प्लस जो मिनरल एसिड्स आता है वो हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है प्रोटोनेट करता है, तो प्रोटोनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH प्लस चार्ज, फिर ये हो गया OH और ये हो गया CH3, फिर क्या हुआ एक मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा जिससे ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ OH है और यहाँ CH3 है। अब क्या होगा, अब रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH, बस यहीं से हमारा अलग है कि OH शिफ्ट होगा कि CH3 शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो इसमें वही ग्रुप शिफ्ट होगा जिससे हमको जो कार्बोकेटायन मिल रहा है वो स्टेबल मोर स्टेबल हो, तो हम दोनों ग्रुप को शिफ्ट करा के देख ले रहे हैं कि किसमें ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, मान लीजिए एक में CH3 शिफ्ट कर रहा है और एक बार में क्या कर रहा है OH शिफ्ट कर रहा है, तो अगर CH3 शिफ्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो जब CH3 शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 चला आएगा और ये डबल बॉन्ड और ये OH हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो रहा है ये जो कार्बोकेटायन है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अब यहां पर हम शिफ्ट करके देख रहे हैं क्या हो रहा है CH3 OH को शिफ्ट करके देख रहे हैं, तो OH को जब शिफ्ट कराएंगे तो यहां बचेगा CH3 और यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पे क्या हो जाएगा OH, तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा कार्बोकेटायन स्टेबल है, बट हम जानते हैं रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रोडक्ट हमारा इससे बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, अब क्या होता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन प्लस निकलता है यहाँ वाला और एरोमेटाइज हो जाता है,
गेन कर लेता है तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा। अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस फोर फोर पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट है। फोर फोर पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा पहले तो पहला स्टेप सेम है, प्रोटोनेशन होगा कार्बोनिल ऑक्सीजन का। तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ईटी और ये सी डबल ओ ईटी ग्रुप है। फिर यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इससे हमारा ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्या जुड़ा हुआ है ईटी, और इससे क्या जुड़ा हुआ है सी डबल ओ ईटी। अभी पॉजिटिव चार्ज रंजन द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ईटी है और ये सी डबल ओ ईटी। तो इसमें कौन शिफ्ट होगा, देखिए एथिल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सी डबल ओ ईटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये जा रहा है यहां पर, तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर इथाइल शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आ रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यानी दोनों कंडीशन को अगर हम देख लें, मान लीजिए इसमें आपका मिथाइल शिफ्ट ये कर रहा है, सी डबल ओ ईटी शिफ्ट कर रहा है, तो सी डबल ओ ईटी जब शिफ्ट करेगा इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये तो जैसे उतार देंगे, ये क्या हो गया ईटी, और यहाँ क्या हो गया सी डबल ओ ईटी। तो ये देखिए ये इथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये तो स्टेबल है, यानी इससे हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में, और एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा उसका, गेन कर जाएगा एरोमेटिसिटी। बट अगर आप इसको करते हैं, देखिए एथाइल को शिफ्ट कराते हैं, एथाइल को शिफ्ट कराते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होता है सी डबल ओ ईटी, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी अनस्टेबल होगा ये, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कौन ग्रुप शिफ्ट करेगा सी डबल ओ ईटी। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैम में पूछा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन में दो चीज है, एक तो आप जब एसिड यूज कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में यूज है, एक्वस HCl मान लीजिए ले रहे हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एनहाइड्रस सॉल्यूशन में होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए सब हम कर रहे हैं पहला ही क्वेश्चन, तो सबसे पहला स्टेप तो सेम है, पहला स्टेप क्या होगा ऑक्सीजन का क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, तो ये जो चीज है वैसे रहेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा OH पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा स्टेबलाइज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से दो चीज हो सकता है, अब यहां से ए बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है, ए बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमारा एक्वस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है तो ये ही बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये ध्यान देना है, और जब एनहाइड्रस कंडीशन में होगा तब ए बॉन्ड शिफ्ट होगा, तभी तो हम एक्वस के लिए कर रहे हैं, तो ए बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस इसका होगा ऐसे, एक बॉन्ड एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग हो गया, और यहाँ पर आर है, अब ये बॉन्ड यहाँ चला आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया OH, और ये बॉन्ड था तो ये बॉन्ड रहेगा। अब एल्किल ग्रुप क्या करेगा माइग्रेट करेगा, एल्किल माइग्रेशन, एल्किल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर एल्किल ग्रुप आ गया R, और ये हो गया ऑक्सीजन OH, ठीक है। अब यहां क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप यहां से बॉन्ड टूट के गया है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्या होता है बताए हैं आपको, डी प्रोटोनेट होता है, क्या होता है डी प्रोटोनेट, तो डी प्रोटोनेट होगा कहां से, डी प्रोटोनेट होगा एक हाइड्रोजन आपका यहां पर है, एक हाइड्रोजन आपका यहां पर है, यही हाइड्रोजन क्या कर जाएगा लीव कर जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में, और यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पे आपका बॉन्ड बन गया ए आर हो गया, और ये क्या हो गया ओ एच हो गया,
अब देखिए आर्थोमेटा यानी मेटा पे सब्स्टिट्यूशन है, ये प्रोडक्ट हमको बोलते हैं इसको मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अगर हमारा एक्वस कंडीशन में हो रहा है तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखेंगे यही क्वेश्चन एनहाइड्रस सोल्यूशन में होगा, एनहाइड्रस कंडीशन में होगा तब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो हम यहां पर क्या कर दे रहे हैं जस्ट टू एस फोर एसी टू ओ और एनहाइड्रस, क्या लिख दे रहे हैं एनहाइड्रस कंडीशन। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, कुछ स्टेप तक तो सेम ही है, क्या होगा पहला प्रोटोनेट होगा ये ऑक्सीजन, तो इस पे एच आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आर। फिर क्या होगा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए, तो ये हो गया ऐसे आपका यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। तो अभी आपको हमने क्या बताया है कि अगर हमारा एनहाइड्रस कंडीशन में होगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला नहीं, यानी ए बॉन्ड यहाँ क्या कर जाएगा शिफ्ट कर जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो R ये तो रहेगा और यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और कहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन में थोड़ा सा मैकेनिज्म में पिछले वाले से थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ पे एल्किल शिफ्ट नहीं अब होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे क्या होगा अब बॉन्ड शिफ्ट, यहीं से थोड़ा चेंज है ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये फाइव मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा। यहां से तो बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या आ गया आर और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया तो यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग बन गया, ये वाला टूट गया यहाँ पे आ गया और यही सब रहेगा तो ये क्या हो गया फाइव मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड इस ओएच को पास कर दे रहे हैं ओएच, तो यहाँ पे ओएच है तो यहाँ पे ओएच और यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपका ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा जिसके कारण यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेजोनेंस अब होगा। ठीक है, देखिए ये पांच मेंबर रिंग हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया। ठीक है, और यहां पे आर और यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे क्या हो गया डबल बॉन्ड और यहां पे क्या हो गया OH। ठीक, फिर एक बार और रेजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। पांच मेंबर रिंग है तो पांच मेंबर रिंग बना लिए यहां पर और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके यहां गया तो यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे क्या हो गया OH और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और यहां डबल बॉन्ड है और यहां से R है। अब फिर देखिए फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां से, यहां से आपका फिर क्या होगा ए वाले बॉन्ड शिफ्ट होगा और सिक्स मेंबर रिंग बनेगा, क्या बनेगा सिक्स मेंबर रिंग, क्योंकि यहां से प्रोबेबिलिटी है तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये हो गया हमारा सिक्स मेंबर रिंग और ये ओएच हो गया और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जैसे है और फिर ये आपका आर है तो आर, लेकिन ये बॉन्ड यहां पर चलाया जिसके कारण यहां पर क्या हो गया सिक्स मेंबर रिंग बन गया फिर से। ठीक है, यहां पर क्या हो गया सिक्स मेंबर रिंग बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां से टूट के यहां गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, दिखा नहीं है, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं ए बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां से बॉन्ड टूटा है तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा माइनस एच प्लस के रूप में और हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहां पर भी एक सिक्स मेंबर का रिंग है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है R। तो देखिए आर्थोमेटा पैरा, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जब आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो हमको मिलेगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और जब हमारा एनहाइड्रस कंडीशन में होगा तो हमको मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, देखिए
एक क्वेश्चन किसमें था, ए आपका था इनहाइड्रस कंडीशन में। तो पहला स्टेप में क्या हुआ है, पहला स्टेप में वही हुआ है प्रोटोनेशन हुआ है OH का, तो ये प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये क्या है अनस्टेबल है, जिसके कारण वो फिर से क्या करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है और ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया खत्म। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके पहले वाला कंडीशन में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था तो उसमें ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया था, लेकिन ये वाला कंडीशन में क्या हो रहा है, एनहाइड्रस हो रहा है, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रिक ग्रुप शिफ्ट नहीं होगा, ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ से। जब ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये कितना मेंबर हो गया, फाइव मेंबर, और यहाँ से बॉन्ड टूट गया है तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद दो बार इसका रेजोनेंस होगा और OH सेम है आपका, OH देखिए लिखे हैं इधर, नहीं दिख रहा, छोटा कर दे रहे हैं OH, ठीक है। उसके बाद से क्या है, अब ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ए वाली बॉन्ड शिफ्ट होगा एक बार, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर अब इसके बाद से क्या होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिससे फिर से सिक्स मेंबर रिंग हमारा बन जाएगा। तो फिर से सिक्स मेंबर रिंग, यहाँ से बॉन्ड टूट के गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन हो गई, यानी हमको क्या मिला, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो डाई इनोन फिनोल रिएजमेंट में हमने 5-6 क्वेश्चन देखा, ये देखा कि डाई इनोन जो था, डाई इनोन मतलब डबल, दो डबल बॉन्ड रहेगा और एक कीटोन रहेगा, और 4-4 सब्स्टिट्यूटेड, तो 4-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड कीटोन क्या हो जा रहा था हमारा, 4-3-4 सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में चेंज हो जा रहा था। अब हम लोग इसका एक उल्टा रिएक्शन होता है, फिनॉल डाई फिनोन रिएजमेंट, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो क्या होता है हमारा, तो हमारा इसका एक रिवर्स भी होता है जिसे हम फिनोल डाइनोन रिएजमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेन 2-4-6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब 2-4 और 6, कितने पर, 2-4-6 पर फिनॉल, मान लीजिए यहाँ पे OH है, दूसरा पर भी कोई सब्स्टिट्यूटेड है, चौथा पे भी कोई सब्स्टिट्यूटेड है और छठवां पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, 2-3-4-5-6 2-4-6 सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल अनट्रीटेड विथ इलेक्ट्रोफाइल, तो मान लीजिए इसका हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 से इलेक्ट्रोफाइल है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सब्स्टिट्यूटेड डाइइनोन, तो इससे हमको सब्स्टिट्यूटेड डाइइनोन मिलता है। देखिए डाई इनोन तो मिलता है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि 4-4 सब्स्टिट्यूटेड मिलता है कि 2-2 सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये नहीं बता रहा है, बस ये बोल रहा है व्हेन 2-4-6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज ट्रीटेड विथ इलेक्ट्रोफाइल देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू सब्स्टिट्यूटेड डाइनोन। देखिए एक फिनॉल है जिसमें 2-4-6 पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, और जब इसका हम इलेक्ट्रोफाइल से क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको सब्स्टिट्यूटेड डाइनोन मिल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड डाइनोन तो बता रहा है, लेकिन 4-4 है कि कितना है, नहीं देखिए 4-4-6 सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिल रहा है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइनोन फिनॉल डाइनोन रिएजमेंट कहते हैं, 2-4-4-6 टेट्रा ब्रोमो, चार को ब्रोमीन है तो टेट्रा ब्रोमो, साइक्लोहेक्सा डाइनोन ये है। इसका मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मिटका दे रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देख ले रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उससे रिअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे ये होगा और फिर ये वाली बॉन्ड जो है इसे आ जाएगी यहाँ पर, जिसके कारण हमको सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये वाली यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ ये वाला भी यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ से ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव कार्बन आयन बन गया और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन है, इतना हो गया। अब Br2 का काम है, तो ब्रोमीन Br2 मतलब Br होगा, तो ये ऐसे टूट जाएगा और यहाँ पे एक अटैक कर देगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और OH पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, और एक ब्रोमीन और यहाँ पर ये वाला टूट के आ गया, अटैक कर दिया इस पे। अब फिर क्या होगा, ये एच प्लस निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, माइनस एच प्लस डिप्रोटेंट हो जाएगा ये वाला देकर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन और ब्रोमीन प्रोडक्ट मिल गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी हमने कितना रिअरेंजमेंट पढ़ लिया, अभी तक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहला पढ़ाया था आपको हमने, क्या पढ़ाया था सबसे पहला आपको, हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन एटम के कारण पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था, वेगनर मेरविन पढ़ा था। फिर हम तीसरा में डेमनजोब पढ़े थे, डेमनजोब रिअरेंजमेंट, और फिर टेफ्नोन डेमनजोब पढ़े थे, टीडी पढ़े थे, और पांचवा हमने क्या पढ़ा है, पांचवा हमने पढ़ा है डाई इनोन फिनोल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है, ये यूनिट तो समाप्त हो गया, डीडीयू सीबीसीएस सेमेस्टर की हम बताए थे आपको और एग्जाम के लिए पढ़ा रहे थे आपको। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन एटम, जो दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन एटम के कारण, जिसमें हाफमैन रिअरेंजमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर कर्टियस पढ़ेंगे, फिर हम स्किमिडिट पढ़ेंगे, ऐसे ही आगे फिर लोसेन पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस धन्यवाद।